गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको आज नवम पाठ अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हमने सप्तम पाठ पढ़ा था संकल्प सिद्धिदायक, अष्टम पाठ आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सप्तम भी नहीं है, लेकिन हम पहले पढ़ा चुके थे इसलिए कंप्लीट करा दिया। लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मालूम पड़ा कि वह चैप्टर 7th और 8th चैप्टर हटा दिया गया है। वैसे मैंने सिलेबस आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नवम पाठ अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। देखिए, मैं अहम मिस मैं अपि मिस भी विद्यालय मिस विद्यालय गमिष्यामि में जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी नाम है। प्रतिवेशिनी मिस है पड़ोसन से गिरिजा, ये वार्तालाप है आपस में, ठीक है। वार्तालाप बताया गया है किस प्रकार आपस में बातें कर रही हैं। गिरिजा मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। मेरा पुत्र मामा के घर प्रस्थित गया है। काचित् अन्यां कमापि महिला कार्यार्थं जानासि त्रहि प्रेष। किसी दूसरी काम करने वाली महिला कार्य के लिए जानासि मिस जानती हो, त्रहि तो भेज दो। किसी अन्य काम करने वाली महिला को कार्य काम के लिए जाती हो तो उसे भेज दो। किसने कहा? मालिनी ने। किससे कहा? गिरिजा से कर रही हूँ। मालिनी पड़ोसन से कहती है गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहं प्रतिप्रस्थितः, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद अन्यां कामापि महिला कार्यार्थं जानासि त्रहि प्रेष। किसी दूसरी काम करने वाली महिला काम के लिए जानती हो तो भेज दो। आम सखी। हाँ सखी, अल प्रातः एव मम सहायिका सुताया कृते कामार्थं पृच्छति स्म। हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका काम करने वाली सहायक अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। आज ही सुबह मेरी सहायिका यानी कि काम करने वाली जो काम करने वाली वो थी नौकरानी सहायिका थी, उस वह अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। स्वप्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह से उसके साथ बात करूंगी। स्वयमिस क्या? अदमिस क्या होता है? आज। स्वयमिस क्या होता है? आने वाला कल। और हमिस क्या होता है? बीता हुआ कल। रिपीट कर रही हूँ। आम सखी। हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। स्वप्रातः एव सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अग्रदिने प्रातःकाले षड्वादने एव मालिन्यः गृहघण्टिका अनन्तरं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजया सेविकः दर्शनाय सह एका अष्टवर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिना घर की घंटी
घर की आंटी आगंतुकम कपि किसी के आने आने को सूच करती हुई करती है। मालिनी के घर की घंटी किसी के आने को सूचित करती है। मालिनी द्वारम उद्घाटित मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति देती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक 18 वर्षीय बालिका थी खड़ी थी। अगले दिन सुबह ही छह बजे ही मालिना के घर की घंटी किसी के आने की सूचना करती हुई मालिनी सूचना करती है। मालिनी दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना एक 18 वर्षीय बालिका के साथ खड़ी है। दर्शना महोदय भवती कारा त्रिजा महदम पक्षति स्म कृपां सुताये अवसरम प्रदाय अनुग्राति भवती। गिरजा बोलती है, दर्शना क्या बोलती है, महोदया भवती आप कार्य के लिए गिरजा महोदय से पूछ रही थी, कृपा मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करने की कृपा करें। कार्य महोदय भवती आप कार्य के लिए गिरजा महोदय से पूछ रही थी, कृपा मेरी पुत्री को अवसर देने की कृपा करें। मालिनी परमेशम तू अल्प वयस्क का प्रतीत है। माल क्या कहती है, परम ईशाम यह तो अत्यधिक यह परंतु यह तो अल्प वयस्क का छोटी दिखाई देती है जो परंतु यह छोटी दिखाई देती किम कार्यम करिष्यति क्या कार्य करेगी यह क्या कार्य करेगी अयम तू अध्ययनस्य किञ्चित् कालः यह तो इसकी अध्ययन पढ़ने का और खेलने का समय है दर्शना। दर्शना क्या कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवार अधुना विदेशं प्रतिवृत्तः वह परिवार अब विदेश गया है। आर्य अभावे अहम तस्य कार्यम एव अन्विषामि स्म येन भवति सदृशं कार्यं प्रचलित अस्मत्सदृशं गृह संचालनाय धनस्य व्यवस्थां भवेत। यह एक घर में पूरा काम करती कर रही थी, वह परिवार आज विदेश गया है। कार्य के अभाव में मैं उसके लिए कार्य ढूंढ रही थी जो बस दर्शाओं कार्य प्रचलित आप जैसों का कार्य जिससे आप जैसों का कार्य चल जाए और अस्मत सदृशाम हम जैसों का के घर हम जैसों का घर भी चल जाए चाहे धनुष्य व्यवस्था और हमारी धन की हमारे लिए धन की व्यवस्था घर चलाने के लिए और घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। रिपीट कर रही हूँ, प्रश्न करती है ईशा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति यह एक घर में काम कर रही थी सब परिवार अधुना विदेशं प्रतिप्रस्थित परिवार अब विदेश गया है। कार्य के अभाव में मैं उसके लिए कार्य ढूंढ रही थी येन बहुत दर्शनाम जिसे आप जैसों का कार्य प्रचलित में चल जाए अस्तदृश्यम हम जैसों के और हम जैसों के घर घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी परम एते तो सदा अनुचित हम परंतु यह तो सदा अनुचित है किम न जानसी
जासी यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वेषां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। रिपीट कर रही हूँ, परंतु परम एते तो सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। किम न जानसि, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना और अपनी नोटबुक में करना। एक बार रीड कर रही हूँ। मालिनी पृथ्वी शिदी प्रति पड़ोसन से कहती है, मालिनी पृथ्वी शिदी प्रति प्रश्न से कहती है, गिरजा मम पुरा मातुर्गम प्रति प्रश्नता, मेरा पुत्र माँ के घर गया है। कद अन्यम कामापि महिला कार्यक्रम संजासी त्रयी पश्य, किसी दूसरी महिला को काम करने वाली महिला को कार्य के लिए जानती हो तो भेज दो। गिरिजा है, आम सखी हाँ सखी अद प्रातः एवं मम सहायिका स्वस्थाय कृते कामार्थं पृच्छति स्म, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। स्वप्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूँगी। अगले दिन प्रातः काले 6 बजे एव मालिना गृहघंटिका आगंतरम कमपि सूचयति। सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना करती है। मालिनी दरवाजा खोल के देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 18 वर्षीय बालिका खड़ी थी। दर्शना महोदया बहुत ही कार्यतम, गिरजा महोदय पृच्छति स्म, आप कार्य के लिए गिरजा महोदय से पूछ रही थी। कृपा मम सुताय अवसर प्रदाय अनुग्रतः भवती, कृपा मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मालिनी परमेश्याम तू अल्पशिका प्रतिते, परंतु यह तो छोटी प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यामि एषा, यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अश्चाध्यनस्य गिनस्य च काला, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, यह एक घर में पूरा कार्य कर रही थी। स परिवार अधुना विदेशम प्रतिपृष्टतः, वह परिवार आज विदेश की ओर गया है। कार्य अभावे अहम तस्य कार्य अन्वेषामि स्म, येन बहुत सदृशाओं कार्यं प्रचलित असदृशं गृह संचलाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य के अभाव में मैं भी उसके लिए कार्य ढूंढ रही थी येन बहुत दृशा, जिसे आपका भी आप जैसों का भी कार्य चल जाए। अस्मत सदृश हम जैसा और हम जैसा का भी घर चलाने के लिए घर की व्यवस्था हो जाए। मालिनी परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है, किम न जानसी, क्या नहीं जानती हो। यद शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां मौलिक अधिकार है, कि शिक्षा तो सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का आपको रक्षण में पढ़ाएंगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है और इसको रीड करना है पहले, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना और अच्छी नीति वर्क करना, डेट और टॉपिक डाल के। धन्यवाद।